हमेशा की तरह लेट है या प्लेन का खिड़की खोलेंगे हवा आएगी ना, गर्म हो रहा है। देखो तुमने सोडियम बंद किया है, कार्ब लोड कम किया है। हमेशा की तरह लेट है या ऐसे जब लेट होते ना मैं जानबूझ के लेट करता हूँ ताकि इस पर कुछ कंट्रोल समझ में नहीं आता, ब्रेन अलग पैनिक अटैक में जाता है डर के कि प्लेन मिलता कि नहीं मिलता, ट्रेन मिलती कि नहीं मिलती। एक बार तो ट्रेन ही मिस हो गई थी, वाइफ को भी ट्रेन में नीचे सोला के लेके गया था, तो नागपुर नीचे सोते सोते गए थे, सबके लात लग रहे थे। अब ये तो प्लेन है, इधर नीचे सोने को भी जगह नहीं, छूट गई तो छूट गई पर नहीं छूटेगी। हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज पे भरोसा रखो और अपने काम पे निकल लो, सब अच्छा ही होगा। आज का मील नंबर 2, अभी तक हमने कार्ब लोडिंग नहीं चालू किए, अपने डाइट पे चिपके हुए एग प्रॉन्स बोम्बिल फिश और अपना वेजीज बिना सॉल्ट के। जैसे ही गाड़ी चलने लगती है ये है सर की हालत, ऐसा सो जाते हैं ना मुंह खोल के, लड्डू खाना है क्या? ये देखो घूर भी रहा है बाबा कर्राटे। ओए आकाश, देखो बोला था ना छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे साथ हैं, महाराज ने प्लेन ही लेट करवा दी ताकि हम महाराष्ट्र के लिए मेडल लेके आए, इसीलिए 1 घंटा लेट है प्लेन, मज्जा नहीं लाइफ सोने का। हम पहुंच गए डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, चलो मेरे प्लेन का खिड़की खोलेंगे हवा आएगी ना, गर्म हो रहा है कुछ भी ना। तू आज गॉगल भूल गई ना, कल चोरी हो गया। जब तेरे तरफ कैमरा घुमाएंगे ना तो तू ये पहन लेना, मेरे तरफ घुमाएंगे तो मैं पहन। जुगाड़ चला गया। प्रतीक्षा इधर पूड़ी भाजी किधर मिलेगी, शादी में खाते हो पूड़ी भाजी? आप लोडिंग कर लो, शादी में जा रहा है कि कंपटीशन के लिए? अपना गोवा का बंदोबस्त। गेट क्लोज हो गया, अभी किसी को आने नहीं देंगे। तो अगर वो मतलब पिक्चर जैसा सीन हुआ तो प्यार का सवाल है, मेरी हीरोइन जा रही है कभी लौट के नहीं, तो जाने देते आर्मी वाले नहीं जाने देते। अच्छा वो अपने को टिप्स देने का, देखो जो भी एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये तो मेरा सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो भी इंसान इधर आ रहा है एयरपोर्ट पे कोशिश करना कि MRP वाली चीज़ें खाना, क्योंकि जो नॉन MRP चीज़ें है वड़ा पाव समोसा डोसा इडली बहुत कॉस्टली। फॉर एग्जाम्पल एक अंडा 150-200 रुपये का, इडली 500 रुपये की 2, समोसे 150-200 रुपये के 1, तो इतना हाई रेट है ना क्या, मतलब डाइट नहीं करने वाला आदमी, समझो ऑफ सीजन ले लिया कोई बॉडी बिल्डर, वो भी नहीं खाएगा। हाँ बाय डिफॉल्ट डाइट स्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि खा ही नहीं पाते, इसलिए कोशिश करना कि एयरपोर्ट आएंगे तो MRP वाली चीज़ें ले, जो भी मिडिल क्लास हो और जो पैसे वाले वो बिंदा छोड़ा हुआ है, तुम्हारे बाप का पैसा है मेरा पैसा थोड़ी है। प्लेन लेट रहेगी ना तो अंदर गोटी खेल सकते। कौन सी अंदर गोटी खेल कुछ क्या चालू है ले ले 8-10 घड़ी ले ले, देख आगे मुख्य दुकान है, ले ले 15-20 बैग ले ले 2-3 लाख की। आगे हाँ आगे परफ्यूम भी है, हाँ हाँ साल भर का बॉडी का खर्चा यही कर लो यही ले। भाई लोग एक बात हमेशा याद रखना, एयरपोर्ट पे बीबी का हाथ नहीं छोड़ना, मेरी बीबी का हाथ छूटा देखो किधर भाग गई, मजाक मजाक में ये ले ले वो ले किया,
शायद अडानी के पास गई, अभी एयरपोर्ट ही खरीदने गई। प्रोटीन बार MRP पे ही है ना? हाँ, नहीं तो प्रोटीन बार का 1000 रुपये ले लेंगे, 100 रुपये का प्रोटीन बार। 3-4 दिन का खाते आने का घर पे, नहीं तो इधर तुम्हारा घर चले जाएंगे। देखो, हमने एयरपोर्ट से क्या क्या शॉपिंग किया। ये दो चिप्स मैं इनके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोडियम है। बाकी ये देखो, प्रोटीन बार्स, कुकीज़, इसमें सोडियम भी कम है और काप भी बहुत कम है, तो मतलब क्रेविंग उठा तो थोड़ा काप के साथ खा सकते हो। देखो, तुमने सोडियम बंद किया है, काप लोड कम किया है, तो खाली फुकड़ का सफ़र नहीं करने का। ऐसा नहीं होना मतलब बॉडी बिल्डिंग सफ़र का गेम है, स्मार्ट वर्क करने का। देखो, लो सोडियम, सिर्फ 11 mg सोडियम है पूरे 100 ग्राम में। इसमें तो 5 ग्राम सोडियम, 5 mg सोडियम है, 9 mg सोडियम, तो कुछ भी नहीं रहता। 0 सोडियम तो किसी में भी नहीं। और देखो, खाओ, मज़े करो। एयरपोर्ट पे ये मज़े, ट्रेन में ये मज़े नहीं। ट्रेन में समोसा, वड़ा पाव, चाय, ये सब आता है, दिमाग घूम जाता है कॉम्पिटिशन में। थोड़े पैसे जाते हैं, बॉडी ख़राब नहीं होती। एकदम असली लग रहे ना। घंटे के लंबी गर्मी के बाद हम पहुंचे चंडीगढ़। अब यहाँ से जाएंगे लुधियाना, हमारे स्पॉट जहाँ हमारा कॉम्पिटिशन कल होने वाला। तो मालूम पड़ेगा कि इंडिया में भी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं। हम यहाँ आए थे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लुधियाना जा रहे थे, तो हमें ये चाचा मिल गए जो ऑटो रिक्शा चलाते। इनको वीडियो में लेने का कारण ये है कि चाचा पैसे नहीं, चाचा इंसान का मारे। चाचा ने पहले मैंने चाचा की एज पूछी, चाचा बोले 42। मैं बोला चाचा आप छोटे दिखते हो, छोटे हो बहुत, बड़े दिखते हो। चाचा बोलते 42 मेरे लड़के की एज है। आपकी एज कितनी चाचा? 69। मैंने बोला बाबा आप तो बहुत छोटे दिखते हो। तो चाचा दोपहर को गुरुद्वारे में सुबह सेवा करते और शाम को रिक्शा चलाते। एक बहुत ही अच्छे इंसान है। थैंक यू। ये देखो, ये इनका कार्ड है। चलो, अगर मिस्टर इंडिया के लिए मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपके पंजाब से महाराष्ट्र मेडल लेके जाऊँ। अभी बजे रात के 12:43 और हमने बस पकड़ी है चंडीगढ़ से लुधियाना के लिए। ऐसा लग रहा है पिकनिक करना है। वो जब भी मैं पहन गया शाहिद और करीना घूमने निकलते हैं वैसा, तो भी यही सेटल है, पंजाबी रहता हूँ। ऐसा लग रहा है खेलने नहीं, पिकनिक करने है, मज़ा आ रहा है। हम पहुँचे हैं हमारे होटल में, रात के बजे है 3:30। रेस्ट करते हैं, अभी बहुत लेट। सोपा गेम ना है भाई बॉडी में, जेवा पानी बंद होतो ना तेव्हा नानी मामी चाची सब याद आते। मॉर्निंग डे, मॉर्निंग कंडीशन चेक। Deep है, बहुत अच्छा है।
लेग थोड़ा सा, यस, पैर घुमा अंदर का, इनर थाई मसल दिखा, आगे पीछे, मास, विंग पहले करके जाने का, विंग करते करते खाने का, ताज़े 70x700, जो कि 700 ग्राम ऊपर आया, कम तो हो जाएगा, पर कम करने के लिए जो झक मारनी पड़ती है वो उससे बॉडी पे स्ट्रेस क्रिएट होता है और बाद में बॉडी होती है खराब, वजन तो आ जाता है, इसके लिए हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पाएंगे। अभी हम निकले हैं वेन के लिए, 75 आ ही गया रहेगा, उससे नीचे आ रहेगा। ये अभी हम आ चुके हैं इंडोर स्टेडियम लुधियाना, यहाँ पर आज होगा वेइंग और कल होगा फाइनल्स। मिस्टर इंडिया का सबसे बड़ा सबसे प्रेस्टीजियस कंपटीशन, थोड़े दिन में इधर फोटो आएगा आपने भी। कल इधर ही होने वाला हमारा टूर्नामेंट, पूरा माहौल सजने वाला है, बड़ा वाला। ये हमारे महेश पाटिल भिवंडी सोनाले गांव से, बहुत जूनियर प्लेयर है, बहुत सीनियर प्लेयर है और बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं। अभी मेरे ख्याल से 8 साल बाद कमबैक किया, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया तब इन्होंने रिटायरमेंट लिया था, अभी कमबैक किया है 8-9 साल बाद और बहुत ही अच्छा कमबैक दिख रहा है, एकदम 2-3 टाइटल हो गया जैसे। अभी आए मिस्टर इंडिया के लिए, आज पक्का बड़ा टाइटल है मिस्टर इंडिया। 6 साल बाद मिले, 6 साल पहले जब मिस्टर इंडिया खेलने आया था ना, जब मेरे होटल में थे विशाल में, अभी चलो ऑल द वेस्ट। ये हमारे महाराष्ट्र की स्ट्रॉन्गेस्ट लेडीज, मतलब आज के झांसी की रानी, ये लास्ट ईयर थानेश्वरी, ये साल के थानेश्वरी परेल श्री बहुत बड़े टाइटल मारे इन्होंने और आज इनको भी ऑल द बेस्ट करो कमेंट्स में, टीम महाराष्ट्र की तरफ से इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये गूगल मैप है क्या? क्या ये? सुपर्ब, नजर ना लगे मेरे पति को। फाइनली वेइंग दे दिया है और आ गए हमारे रूम पे और सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि वेट नीचे लाना था, वेट आ गया 74। तो अब हम मिलेंगे कल कंपटीशन के इधर वार्म अप के टाइम, जब तक के लिए मुझे ऑल द बेस्ट विश कर दो, तुम्हारे लक की बहुत जरूरत है थोड़ा मोटिवेशन की, और ब्लॉग देखते रहो और सपोर्ट करते रहो। रंक नंबर 133 सपोर्ट जरूर करना, 75 kg संतोष सर, टीम महाराष्ट्र, जय भवानी जय शिवराय, और बॉडी बड़ा करेंगे, जय भवानी जय शिवराय।